बालकन ने पटाखे फोड़ के इतना धुआं कर दिया और कुनू नहीं समझ आ रहा मैं जमीन पे खड़ी हूँ आसमान में चढ़ गई। अरे मेरा छोड़ दो, मच्छरों ने देख लो ये बेचारे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। अब भाई हम जमीन पर है, अब बादल पे चढ़ गए। जब तो दिवाली के दो दिन तो ये नजर नहीं आते, कभी नहीं नजर आते भाई, और तो और खून चुसने और तरस जाए। पर यार दिवाली पे न कॉलोनी में एक अलग सा कॉम्पिटिशन चल रहा है, अब भाई किसका पटाखा बहुत बढ़िया है और किसका बहुत घटिया है। पर जो मेरे पेरेंट्स है ना यार, उन्होंने कभी पटाखों के ऊपर पैसे खर्च करने नहीं दिए। वो कहते बेटा तू एक बात बता, जब पटाखा फूटेगा तेरा नाम लेगा थोड़ी ना फूटेगा। अब भाई मैं सुरेश नंदी वाले के यहाँ से पटक रहे भाई, वो तो कभी पाट जाएगा। मेरे पापा कहते हैं बेटा जब भी पाटे ना तू चिल्लाने लग जा, तू इतनी खुश हो जा, इतनी चिल्लाने लग जा, सारे सोचेंगे तेरा पाटा है। समझ आ गई भाई, कॉल की बात ले लो। मैं ताई से मिल गई, वो जान लग रही थी, मनु कहती बेबे मैं यू तो रोड क्रॉस करने लग रही और ये बालक बहुत फोड़ने लग रही, ये बहुत फोड़ने लग रही, मैं जू आगे बढ़ू पटाखा सा करे। बेबे मैं डर गई, मैंने तो कान बहादुर ही नो, ये बेबे पटेगा ये पटे पर पट्टा है को ना। बेबे मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ी, वो फिर सा करने लग गया, मैंने फिर कान बहादुर ली, ये बेबे ईब तो पट जा, पर वो ईब भी ना पट्टा। फिर क्या होया मैं सोची अब बेबे पटाफट से आगे बढ़ जाते पटाफट है, पर यार मैं जू तो आगे बढ़ती हुआ सब पट्टा सब पट्टा बूम करके बेबे मुझे सब तड़ाका सा लग गया कि बताऊं तुमने सब बुंडा। भाई ये बाढ़ देख के मैंने और आसन लग गए इतने बुंडे हंसते। ये भाई ताई की यह बात सुन के ऐसी तो मैंने भी बहुत आई, पर मैंने कंट्रोल कर ही लिया। पर यार दिवाली का ना सब नहीं तो चार होया करे बैठी हूँ क्योंकि मिठाई खाने मिलने हैं। ओह भाई रसगुल्ले, आह हा गुलाब जामुन, ओह पर सोन पापड़ी, आए हाय सोन पापड़ी का तो नाम सुनते है ना जी सा खराब हो जाए मेरा। अब भाई फिर एक बार क्यों होया, मेरे घर तो गया सोन पापड़ी का डिब्बा पूरी कॉलोनी में घूम घूम के मेरे घर में वापस आ गया। मैं डर गई बेबे, अब मैंने फिर खाना पड़ेगा यार। फिर क्या होया, डरते याद आया मेरी ना बहुत चीजों से फटती है लाइफ में, बहुत ज्यादा चीजों से, उनमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से ना मुझे बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा। वैसे तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई कुछ भी कर लो तेरे यार मेरी ना बनना है ठीक है। पर यार दिवाली पे ना मैंने बहुत बुरा लग गया उनते, बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। अब भाई हमारे पटाखे फोड़ने की वजह से वे बेचारे बता सांस नहीं ले पाते, चाल नहीं पाते ढंग से, थोड़ा तो सोचे ना भाई, मेरी बात मान के देखो इस बार ही ना दिवाली बिना पटाखा के फोड़ के देखो। गवर्नमेंट ने तो अपना स्टेप ले लिया, अब भाई पटाखे बैन कर दिए, ये थारी बारी है, समझ में आ गई थारी सबकी। तुम ये सारे पटाखे ने बैन कर दो, कोई नहीं फोड़ेगा पटाखे इस बार, कोरोना वो चल रहा है, मास्क लगा लो, सैनिटाइजर था हाथ धो लो, वो तो बढ़िया रहोगा ना घरा में रहो ठीक है। और इन पटाखों पे पैसे खर्च करने की बजाय ना किसी गरीब पे पैसे दे दो बेबे, उन्हें खाना खिला दो, ये धुएं की जगह ना तुम्हें दुआएं मिलेंगी दुआएं। स्टे सेफ स्टे होम। चलो भाई मैं चली, तब मैं दिवाली मुबारक हूँ।